नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम कोकोनट कुकीज़ बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल। ये चूई कोकोनट बिस्किट है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमें 4 बड़ा चम्मच घी लेना है एक बाउल में। मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है, आप इसके जगह तेल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें 1/4 कप पाउडर चीनी डालना है। मीठा का टेस्ट आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों को हमें बीट करना है। यहाँ पे मैं हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए हम इन दोनों को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। अच्छी तरह से बीट हो चुका है, तो अब हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, इसे हम ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा लिया है, इसे भी हम ऐड करेंगे। और हम अपनी हाथों के मदद से इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे कुकीज़ के लिए। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसका एक डो तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से 4 चम्मच यहाँ पे दूध लिया है। जितना हमें ज़रूरत होगा हम इसमें एक एक चम्मच करके डालेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसका डो बना लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। हमें ज़्यादा प्रेशर डाल के डो नहीं बनाना है, हमें बहुत ही हल्के हाथों से इसका डो बनाना है। अब हम इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। अब देखिए मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया, यह सेट हो चुका है। अब हम इसके कोकोनट कुकीज़ बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से नारियल का पाउडर ले लिया है कुकीज़ के ऊपर लगाने के लिए। हम इस तरह से हल्के हाथों से इसे गोल करेंगे और इस तरह से हम ऊपर से नारियल का पाउडर लगा लेंगे। इसी तरह हम सारा बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब देखिए मैंने सारे कोकोनट कुकीज़ बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे और मैंने यहाँ पे फॉक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। अब देखिए मैंने सारे कुकीज़ में डिज़ाइन बना लिया है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो हम इसे आज कढ़ाई में बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही बिल्कुल लो फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम एक जाली रखेंगे और हम जो हमारा बिस्किट है हम इस पे लगा देंगे। अब देखिए मैंने सारे कोकोनट कुकीज़ को थोड़ा थोड़ा गैप करके लगा दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि हीट बाहर ना निकले। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और हमें इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देना है। पैंतीस मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक करेंगे हमारा कुकीज़ कैसा बना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कोकोनट कुकीज़ बेक हुआ है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा बहुत ही अच्छा कोकोनट कुकीज़ बिल्कुल बेकरी स्टाइल बन के तैयार हो गया है। इसे मैंने विदाउट ओवन बेक किया है, इसे कढ़ाई में बेक किया है। बहुत ही स्वादिष्ट है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। देखिए कितना क्रंची है और च्यूई है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही टेस्टी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।